गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केमचो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चिन्मय सर के फादर एकदम बेहतर हो चुके हैं। उनको जो है वो एक मेजर हार्ट अटैक आया था, जो समय पर ट्रीट होने पर एकदम कंट्रोल में आया और एक स्टंट भी डला उसमें और सब ठीक है। बीट के चिन्मय सर की मैं तारीफ करूंगा कि वो सोचिए कि उनके फादर को एडमिट किया उन्होंने, अगले दिन चूंकि क्या था कि बैक टू बैक लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रहे थे। बायोमेंटर्स में क्या होता है कि लेक्चर फ्रेशली रिकॉर्ड लेक्चर होते हैं अधिकांश लेक्चर, तो मतलब बायोलॉजी में तो फिर भी कुछ लेक्चर असाइन हो जाते हैं, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री में हर बार बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रेश रिकॉर्डिंग होती है। बायोलॉजी का सिलेबस बड़ा होने पर कुछ जगह पे असाइन करते हैं, लेकिन असाइन करने में भी हम एमसीक्यू वगैरह डाल के उसको वैल्यू को इन्हांस करते हैं। अब क्या करते हैं वो आप सिस्टम में आके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। चिन्मय सर जो है वो अपने फादर के इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल को उन्होंने एडमिट किया, पूरा फैमिली का टेक केयर किया उन्होंने, और वो विथिन 24 आवर के आसपास जो है वो एक दिन सर डेढ़ दिन रहा होगा और उन्होंने आकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया। उन्होंने जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की, बच्चों के लिए उन्होंने, ठीक है, और एक थैंक यू मैसेज भी रिकॉर्ड किया जो रिलीज़ हुआ। और जिन लोगों में इस लेवल का जज्बा होता है ना, अपने काम के प्रति समर्पण होता है, उन्हें कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मैं जो है वो मेरी टीम में इतने डेडिकेटेड, इतने मेहनती लोग हैं जो मतलब मैं कहूँगा कि ये आप लोगों का और हम सब का के लिए एक ईश्वरीय आशीर्वाद भी है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स भी, कि अच्छे लोग ही जुड़ते हैं और अच्छे लोग ही एक अच्छे मिशन में लंबे समय तक आगे रह सकते हैं। जो बायोमेंटर्स जो लोग जुड़कर काम कर रहे हैं उनको भी कई तरह के लोग लालच देते हैं बाहर से, ठीक है, लेकिन उनके वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है, आप लोगों से अटैचमेंट इतना अधिक है कि वो उस लालच में जनरली आते नहीं है, ठीक है। तो खैर, अभी मैं आपसे जो बात कहने वाला हूँ वो ये है कि कई बार क्या होता है, कई बार हम लाइफ में गलतियाँ करते हैं, कई बार मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम अड़ियल रवैया अपनाते हैं। हम उन गलतियों को जो है सुधारने की बजाय सामने वाले पर दोष लगाते हैं, हम सामने वाले को ही ब्लेम करते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा ऐसा था, तुमने ये किया। हम में से कई लोगों का रवैया बड़ा अड़ियल होता है, जैसे मैं कहता हूं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ो, नहीं सर ऐसा करने पे ऐसा होता है, मेरे को ये होता है, मेरे को वो होता है, तो चार ज्ञान आप पढ़ा देते, हम चुप हो जाते हैं, ठीक है भाई तुम जो करना कर लो, तुम्हारा भविष्य तुम जान लो। रवैया जिंदगी में कभी अड़ियल मत बनाइए, ठीक है, क्योंकि मूर्ख जो होते हैं ना, मूर्खों में ही इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अड़ जाते हैं। अड़ने वाले लोग मूर्ख होते हैं, कहीं भी अड़ गए, समझ ही नहीं आ रहा, कहीं भी अड़ गए, वो चौराहे पर बैठी हुई भैंस के समान होते हैं। कि जो आप छोटे कस्बों में आप देखो, चौराहे पर भैंस गाय बैठी होती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इधर से हॉर्न बजाओ, उधर बैठे हैं तो बैठे हैं, जुगाली कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है चौराहे पर बैठना, बैठी हुई तीन भैंसें, अरे कहाँ शहर में बाहर निकलो, देखो जाके किसी ना किसी चौराहे पर दो भैंसें बैठी होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अड़ियल रवैया किन लोगों का होता है, जिनमें ज्ञान कम होता है उनका। जैसे आप देखो, अब अड़ियल रवैया ये ऐसा कि एक बच्चा जो है वो, उसको स्कूल में एग्जाम हुआ, एग्जाम में एक निबंध लिखने के लिए आया, एक ऐसे लिखने के लिए आया, वो लड़का बकायदा दो पेज भर के ऐसे लिख के आया। टीचर ने बोला कि भैया तुम क्या लिखे हो, तुम फेल हो गए, जीरो नंबर आया। तो ऐसे बोला, सर ऐसे कैसे, जीरो नंबर आ ही नहीं सकता, हम तो लिख के आए पूरा ऐसे, हमने खूब लिखा उस बारे में, खूब लिखा जो आपने पूछा ऐसे का टॉपिक था, खूब लिखा, फिर नंबर क्यों नहीं दिया आपने बताइए, कुछ भी गलत नहीं लिखा हमने, सब कुछ सही लिखा हमने। टीचर माथा पीट लेता है कि भैया आप क्या जवाब दो उसको, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या था उस ऐसे में, भाई ऐसे आया था कि आप लिखिए भाकड़ा नंगल बांध के बारे में, आप एक निबंध लिखिए, ठीक है, भाकड़ा नंगल बांध के बारे में एक ऐसे लिखिए, ठीक है। तो उस लड़के ने निबंध लिखा कुछ इस प्रकार से, भाकड़ा नंगल एक बांध है जो पंजाब में स्थित है, पंजाब में सरदार रहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक सरदार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहते हैं, लोह पुरुष जो है वो चूंकि उनकी कर्तव्य परायणता उच्च कोटि की थी और उन्होंने देश के आजादी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, आजादी बड़ी मेहनत के बाद मिली है, इसकी हमें वैल्यू करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र का ध्यान रखना चाहिए, देश की अपनी सीमाएं होती है, हमारे पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान है, चाइना है,
श्रीलंका है, नेपाल है, ये हमारे पड़ोसी देश है। पड़ोसी देशों से कई बार हमारे संबंध जो है वो गड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन हम जो है वो कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं और संबंधों को संतुलित बनाए रखने की कोशिश करते हैं। नीति चाणक्य ने भी दी थी, चाणक्य की नीति को चाणक्य नीति कहते हैं। चाणक्य ने कई सारी ऐसी बातें बताई थी जो देश हित में थी, और देश के अंदर कई सारे राज्य होते हैं, उन्हीं राज्यों में से एक राज्य है पंजाब, और पंजाब के अंदर है भाखड़ा नंगल बांध, और बहुत अच्छा बांध है। निबंध खत्म। तो भैया ऐसा है कि भाई साहब लिखने से काम नहीं बनेगा ना, लिखा तो भर भर के, पन्ना भर भर के लिखा हुआ है, और ये कहानी जितनी लंबी चल सकती है उतनी लंबी चल सकती है कहानी के, लेकिन पॉइंट ये है कि उसका एसेंस क्या, उसका एक्सट्रैक्ट क्या है। इन्हें पूछा गया कुछ बता कुछ और रहे हैं, और बोलते हैं नंबर ना मिले हमें। पढ़ने में भी यही गलती करते हैं, पूछा जा रहा है एग्जाम में ये पढ़ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं एग्जाम में ये पढ़ रहे हैं ये, के मतलब पॉइंट ये कि भाई कहां पे आपको ध्यान देना है, कहां पर ध्यान नहीं देना है, किस तरह के क्वेश्चन करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी एग्जाम में और हो सकती है, यही तो टीचर बतलाता है। इसीलिए तो कोचिंग क्लासेस का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो आप फेल होकर सीखेंगे ना, वो टीचर आपको पहले ही बताया था कि ये फेल होने वाला कार्यक्रम है, ये मत करो। ठीक है भाई, ज्ञान का क्या वैल्यू है? ज्ञान का वैल्यू है कि दूसरे के अनुभव को आप खुद अनुभव किए बगैर सीख जाते हो। ज्ञान का मतलब ये है कि भैया बिजली के दो तार यदि अपने से टच कर लोगे तो करंट लगेगा, पर लिखा हुआ है इस किताब में कि बिजली के तारों को टच करने पर करंट लगता है, आपको यदि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल फ्लो होगा तो करंट लगेगा, आप दो तार टच नहीं करोगे बिजली के, क्योंकि पढ़ लिया आपने। मतलब ज्ञान का मतलब यह है कि दूसरे के अनुभव से हम सीखते हैं। ठीक है, यदि हमको जिंदगी में कहा जाए कि सब कुछ तुम अपने अनुभव से सीखो, तो ये जिंदगी कम है, कई जन्म कम पड़ जाएंगे जितना ज्ञान हम अभी तक लेते हैं, स्कूल में लेते हैं। ठीक है, इसलिए सीखो। कोई कुछ बतलाता है आपसे, कोई कुछ टीचर कहता है, तो उसको ध्यान से उस बात को सुनो, क्योंकि कारण यह है कि आपके अड़ियल रवैये से, आपके अड़ जाने से आपकी सफलता रुक जाती है। अड़ियल रवैये का मतलब यह कि बड़ा पत्थर आपने अपनी गाड़ी के सामने लगा दिया है, अब वो पत्थर हटा नहीं रहे हो, गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, पहले पत्थर हटाना पड़ेगा, वो तब गाड़ी आगे बढ़ेगी आपकी। याद रखिए, ड्राइवर आप हैं, गाड़ी भी आप ही की है, पत्थर भी आप लगाकर बैठे, तो हटाएगा कौन उसको, आप ही हटाएंगे। तो रवैया अपना अड़ियल मत रखिए, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप चीजों को सीखना शुरू करिए। ब्लॉटिंग पेपर के समान बनिए, जहां ज्ञान मिले ले लिया, जहां ज्ञान मिले ले लिया। ठीक है, तो ही आप जो है वो ग्रो करेंगे आप। ठीक है, तो मेरा पॉइंट वही है कि लाइफ में हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। और सीखता कौन व्यक्ति है? जो इस बात को का यकीन मानता है कि मुझे जो है वो और पता करना है, मुझे सब कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, जो अपने आप को सर्वज्ञानी समझता है वो परम मूर्ख होता है, क्योंकि ज्ञान कभी भी किसी व्यक्ति को सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। कोई धरती पैसा व्यक्ति जिसको सब चीजों का सारा ज्ञान हो, कुछ चीजों में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, सारी चीजों में पारंगत आप नहीं हो सकते। ठीक है, आपको कौन सा ज्ञान कब कहां पर कैसे काम आएगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा सीखने मिले तो उसको सीखिए, उसको ठीक है, उसको उससे अपने आप को वंचित मत कीजिए, अड़िए मत। यदि कोई चीज में गलती होती है, गलत कर बैठे हैं हम, तो सुधारने के का मौका अपने आप को दीजिए। सक्सेस आपकी हो। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।